हेलो दोस्तों, मैं कुमुद, मम्मी की रसोई भाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज की मेरी रेसिपी है दूधिया गुलाब जामुन। सबसे पहले अगर आप मेरी चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलती रहे। और आइए बनाना शुरू करते हैं। ये है ब्रेड, सफ़ेद वाला ब्रेड है जिसका मैंने कॉर्नर काट लिया है, और ये मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। इस तरह ये मैंने दो पीस रख लिया है, रख करके इसे अच्छी तरह ये ब्राउन वाला जो पोर्शन है इसको हम निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया है, देखिए। और अब हम इसे तोड़ लेते हैं। मैंने 8-10 पीस लिया है, दो दो ये मेरा 10 पीस ब्रेड है। मैं इसे तोड़ लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह। ये मैंने इसे तोड़ लिया है। अब हम इसे, ये दूध है, ठंडा है, नॉर्मल दूध है, फ्रिज का नहीं है और गर्म भी नहीं है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके गूँथ लूँगी। आप बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिए, गूँथते जाइए और देखते जाइए कितने में गूँथेगा। अगर बहुत ज़्यादा एक बार डाल देंगे आप तो ये गीला हो जाएगा, फिर आपको और भी ब्रेड डालना पड़ जाएगा। धीरे धीरे आप हल्के हल्के हाथों से इसे मैश करते जाइए और फिर दूध डालते जाइए। मैं इस तरह से डालते जाऊंगी और कूटते जाऊंगी। जब इतना इस तरह ये थोड़ा सा मैश हो जाए तो मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। ये दूध का पाउडर है जो मार्केट में मिल जाता है बहुत आसानी से, पैकेट में भी मिल जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स भी आते हैं। तो मेरे पास 10 ब्रेड के टुकड़े थे तो मैं इसमें 5 चम्मच इससे इस चम्मच से ये मिल्क पाउडर डालूंगी। और अब मैं इसे थोड़े थोड़े दूध डाल करके अच्छे से मैश करूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी, ये मैं 2 चुटकी इलायची पाउडर डालूंगी। बस इतना ही मुझे गूंथने में चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब मैंने ये गूँथ लिया है। आप देखिए इसका टेक्सचर, देखिए इस तरह सॉफ्ट मुलायम, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा। और अब हम इसको ढक करके साइड में रखते हैं तब तक। आइए चाशनी की तैयारी कर लेते हैं पहले। और ये मैंने अपना चाशनी के लिए बर्तन चढ़ा लिया है। ये इस कटोरी से 1.5 कटोरी मैंने चीनी लिया है, तो इसे डाल लेती हूँ। और इसी कटोरी से 1.5 कटोरी मैं पानी ले लेती हूँ। और अब हम अपने गैस को चला लेते हैं। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है और पतली भी नहीं, थोड़ी सी हाथों में चिपचिपी सी हो जाए फिर हम इसे बंद कर देंगे। और देखिए ये हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। आप इसे थोड़ा सा छूकर देख लीजिए, थोड़ी सी ये चिपचिपी सी होनी चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, हल्का सा चिपचिपा सा हो गया है। ये तार हमें नहीं बनाना इसका। और अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल लेंगे ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो,
दो चार बूंद डाल लेंगे और थोड़ी सी हम अपने गैस को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं खुशबू के लिए। आप चाहें तो केवड़ा फ्लेवर डाल दीजिए या फिर रोज एसेंस डाल दीजिए। और अब हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसको लंबा सा रोल बना करके और एक साइज़ का हम, जैसे आप बड़ा चाहते हैं तो बड़ा बना लीजिए, छोटा साइज चाहते हैं तो छोटा बना लीजिए, इस तरह हम बना लेंगे। ऐसे हाथों से, अगर आपके हाथों में चिपकता है तो आप थोड़ा सा घी से चिकना कर लीजिए हाथों को। ये हम बनाएंगे और इसके बीच में हम एक किशमिश डालेंगे और डालकर इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और फिर हम इसे इस तरह रोल कर लेंगे। देखिए कितना चिकना सा ये रोल हो गया है इस तरह। एक और मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ इस तरह करके। और फिर हम इसमें एक किशमिश डाल लेते हैं। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो उसमें दो डाल लीजिए। और इस तरह हम अपने सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने सभी गुलाब जामुन को तैयार कर लिया है, ये इस तरह आप देख सकते हैं। और आइए हमने अपना घी चढ़ा दिया है, घी को चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म होगा तब भी फट जाएगा और ठंडा होगा तभी वो अंदर से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम अपने गुलाब जामुन को हल्के हल्के आँच पे मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। डाल लेते हैं हमने अपने सभी गुलाब जामुन को डाल दिया है और हम इसे हल्के हल्के हिलाते रहेंगे ताकि ये एक तरफ से बहुत ज़्यादा गहरा ना हो जाए। हमें चारों तरफ से कलर के लिए हिलाते रहना पड़ेगा। तो लीजिए यह फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है गुलाब जामुन का। अब हम इसे निकाल लेते हैं और हम अपनी कढ़ाई को दूसरे साइड कर देते हैं और अपनी चाशनी को यहाँ कर लेते हैं। थोड़ी सी हम अपनी चाशनी को गर्म कर लेंगे, हल्का सा हम अपनी चाशनी को गुनगुना कर लेंगे क्योंकि अभी ये ठंडा हो गया है। देखिए गुनगुना हो गया है और अब हम इसमें अपने गुलाब जामुन को छोड़ देंगे। अब चाशनी इतना बनाइए कि ये डूब सके। आप बाद में इस चाशनी का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और यूज़ कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिठाइयाँ ये बची हुई चाशनी से बन जाएंगी। और आप इसे 2 मिनट के लिए इस पर रहने दीजिए ताकि थोड़ा सा रस अंदर इसमें चला जाए। देखिए ये हमारा गर्म हो गया है। तो आइए हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। आप इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए और फिर सर्व कीजिए। लीजिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था और अब मैंने सर्व कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे
सजा लेते हैं। मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम काट रखा है, मैं इस पर डाल देती हूँ। सर्विंग भी सुंदर होनी चाहिए। तो ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है मिल्की गुलाब जामुन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, और फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ढेर सारे फ्रेंड्स और सोशल साइट पे अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।